दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्ल्स लैम्ब के इंपॉर्टेंट एम को जो कि प्रीवियस ईयर के, के एग्जाम्स में काफी बार आ चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी तो चलिए विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक और एम नंबर वन एस ऑफ एलिया आर एस ऑफ एलिया क्या है पोलिटिकल आइडियोलॉजी ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक डिस्पेरिटी ऑप्शन नंबर सी लिटरेरी क्रिटिसिज्म या ऑप्शन नंबर डी है पर्सनल इंप्रेशंस आपको आंसर देना है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जाम्स में जून के एग्जाम में 2006 में आ चुका है और डी एस एस में भी आ चुका है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नाव आंसर दीजिए आंसर विल बी पर्सनल इंप्रेशन नाव एम सी क्यू नंबर टू एसेज ऑफ एलिया वॉज पब्लिस्ड इन एसेज ऑफ एलिया को कब पब्लिश किया गया था ऑप्शन नंबर वन 1800 हंड्रेड ऑप्शन नंबर टू एटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री ऑप्शन नंबर सी है एटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन एंड ऑप्शन नंबर डी है एटीन हंड्रेड फिफ्टी फ्रेंड्स गिव द आंसर अगर आपने आंसर दिया है एट्टीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री तो दैट इज वेरी करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर थ्री वॉट वॉज चार्ल्स लैम्स कनेक्शन विद इंडिया चार्ल्स लैम का इंडिया के साथ में क्या कनेक्शन था दोस्तों ऑप्शंस कुछ लेनती हैं तो आप इसको ध्यान से देखें आपको कनेक्शन फाइंड करना है चार्ल्स लेम का इंडिया के साथ में ऑप्शन नंबर वन है ही वॉज़ फेसिनेटेड बाय द इंडियन जगलर्स एंड ट्रेड्स पीपल इन लंदन एंड रॉड एंड एस से ऑन देम नाउ नेक्स्ट नंबर ही वाज फेसिनेटेड बाई ईस्टर्न मिस्टिकल रिलीजन्स स्पेशली बुद्धिज्म नाउ ऑप्शन नंबर सी है ही वॉज ए क्लर्क फॉर थर्टी थ्री ईयर्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑप्शन नंबर डी है ही वॉज क्लर्क इन साउथ सी हाउस दैट एपियड पेटेंट एंड डॉक्यूमेंट फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो नंबर फोर ही है ये साउथ सी हाउस के अंदर एक क्लर्क थे नाउ नंबर फोर चार्ल्स लैम इन एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स कंपेयर्स दैम ऑन देयर अर्ली मॉर्निंग राउंड टू वो किससे कंपेयर करते हैं बताइए मैटिन लार्क से लिटिल मनीस से या एक्रोबेट से या फिर स्वेलो से करेक्ट आंसर देना है आपको ये भी आर पी एस सी पी जी टी दो सिक्सटीन में आ चुका है फ्रेंड्स अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए मेटिन डार्स तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है नाउ एम सी क्यू नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट यूज बाई लैम्प ठीक है इसमें से कोई सा भी एक एक्सप्रेशन है जो लैम्प के द्वारा यूज नहीं किया गया है टू डिस्क्राइब चिमनी स्वीपर चिमनी जो स्वीपर हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि यूज नहीं किया गया है वही हमें चूज करना है ठीक है ऑप्शन नंबर एक है क्लर्गे इम्स ऑप्शन नंबर बी है इनोसेंट ब्लैकनेस ऑप्शन नंबर डी है डिम स्पीक्स और ऑप्शन नंबर डी है सेबल स्वीपर्स सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर एंड द आंसर विल बी नंबर डी सेबल स्वीपर ये उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था बिल्कुल भी नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्स हु ऑफ द फॉलोइंग डिड द क्रिटिक हुग वॉकर कॉल द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसिस्ट हुग वॉकर ने किसे द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसिस्ट कहा है आपके ऑप्शन है नंबर ए फ्रांसिस बेकन ऑप्शन नंबर बी है जोसेफ एडिशन ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स लैम ऑप्शन नंबर डी है ओलिवर गोल्ड स्मिथ नाउ गिव द आंसर जैसा कि आप जानते हैं आप चार्ल्स लैम को कवर कर रहे हैं तो मैक्सिमम आंसर चार्ल्स लैम ही होगा ठीक है दोस्तों आपको बताना है कि फ्रांसिस बेकन को क्या कहते हैं नाउ नेक्स्ट नंबर वॉट लेसन डू द यंग चिमनी स्वीपर्स गिव अस अकॉर्डिंग टू लैम लैंप के अकॉर्डिंग हमें चिमनी स्वीपर्स जो हैं वो क्या लेसन देते हैं क्या क्या बताते हैं हमें ठीक है ऑप्शन नंबर ए है ऑफ पैसेंस ऑप्शन नंबर बी ऑफ अर्ली राइजिंग ऑप्शन नंबर सी ऑफ हार्ड वर्किंग ऑप्शन नंबर डी ऑफ स्पोर्टिवनेस नाउ गिव द आंसर एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑफ पैसेंस चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं नाउ नंबर एट द एनुअल फीस्ट फॉर द चिमनी स्वीपर्स वाज अरेंज्ड बाई ठीक है एनुअल फ़ीस्ट जो है चिमनी स्वीपर्स के लिए वो किसने अरेंज की थी इन लैम्स ऐसे द प्रेज ऑफ़ चिमनी स्वीपर ठीक है चिमनी इन प्रेज ऑफ़ चिमनी स्वीपर्स है एक ऐसे चार्स लैम का उसमें पूछा गया है कि एनुअल फ़ीस्ट जो है चिमनी स्वीपर्स के लिए वो किसने अरेंज की थी ऑप्शन देख लीजिए द ऑथर मैडम और ऑप्शन नंबर सी है जेम वाइट ऑप्शन नंबर डी है बी गॉड नाउ गिव द आंसर अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी जेम वाइट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है नाउ नंबर नाइन द चिमनी स्वीपर्स रेफर टू बाई चार्ल्स लैम्स आर ठीक है ऑप्शन नंबर ए ग्राउंड अप स्वीपर्स ऑप्शन नंबर बी रिटायर्ड चिमनी स्वीपर्स ऑप्शन नंबर सी टेंडर नोवाइसिस ऑप्शन नंबर डी है इंजन ड्राइवर्स क्या रेफर किया है चार्ल्स लैम ने चिमनी स्वीपर को ऑप्शन नंबर सी टेंडर नोवाइसिस नाउ एमसीक्यू नंबर टेन हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेस्ड ये तो आप जानते ही हैं चार्ल्स लैम क्योंकि आप चार्ल्स लैम को कवर कर रहे हैं ना ऑप्शन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटेन बाय चार्ल्स लैम इनमें से कौन सा एक एससे है जो चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा हुआ नहीं है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए है द दनवेलसेंस ऑप्शन नंबर बी है इम परफेक्ट ऑप्शन नंबर सी है अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑप्शन नंबर डी है ऑफ स्टडीज नाउ गिव द आंसर। इनमें से कौन सा ऐसे है जो कि चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा हुआ नहीं है अगर आपने चूज किया है ऑफ स्टडीज जो कि फ्रांसिस बेकन का है यही सही है ठीक है ये चार्ल्स लैम का लिखा हुआ नहीं है ये फ्रांसिस बेकन का है बाकी के तीन चार्ल्स लैम के लिखे हुए हैं नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड चार्सलैम्स का वेरी गुड फ्रेंड कौन था वर्सवर्थ कॉलरेज कीड्स और शैली अभी आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा एकदम इसका आंसर दीजिए आप नाउ गिव द आंसर अगर आपने चूज किया है वर्सवर्थ तो बिल्कुल गलत है आपने चूज किया है शैली तो भी गलत है अगर आपने चूज किया है किड्स तो भी गलत आपने चूज किया है कॉलरिज दैट इज़ करेक्ट नाउ एम सी नंबर थर्टीन इन विच मैगजीन डिड चार्ल्स लैम्स एसेज फर्स्ट टाइम अपियर इनमें से किस मैगजीन में चार्ल्स लैम के जो एसे हैं वो फर्स्ट टाइम अपियर हुए थे पब्लिश हुए थे ऑप्शन नंबर ए ब्लैक वुड्स मैगजीन ऑप्शन नंबर बी लंदन मैगजीन ऑप्शन नंबर सी है क्वार्टरली रिव्यू ऑप्शन नंबर डी है एरियल। नाउ गिव द आंसर अगर आपने चूज किया है लंदन मैगजीन तो बिल्कुल सही है नाउ नेक्स्ट नंबर चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज चार्ल्स लैम ने अपना जो लिटरेरी कैरियर था वो कैसे स्टार्ट किया था एज अ पोइट एज अ क्रिटिक एज एसिस्ट या एज अ ड्रामाटिस्ट नाव गिव द आंसर चार्ल्स को प्रिंस ऑफ एसेस्ट कहा जाता है नाउ गिव द आंसर अगर आपने चूज किया है क्रिटिक तो गलत आपने चूज किया एसेस्ट तो गलत आपने चूज किया ड्रामाटिस्ट तो गलत अगर आपने चूज किया है एज अ पोइट दैट इज करेक्ट आंसर नाउ नंबर फिफ्टीन

बताइए बिल्कुल चार्ल्स लैम का ही नाम है लिया है ना ऑप्शन नंबर सिक्सटीन हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलेसिस ऑप्शन है लैम एंड ऑप्शन नंबर बी मैरी लैम। ऑप्शन नंबर सी बॉथ ऑप्शन नंबर डी नन नन ऑफ दिस एडवेंचर ऑफ यूलेसिसिस जो है वो मैरी लैम और चार्ल्स लैम दोनों ने मिलकर कंपोज किया था ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको ये बताना है चार्ल्स लैम का मैरी लैम्ब से क्या रिलेशन है यह आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नाउ नंबर सेवेंटीन हु इज कॉल्ड द एसेस्ट पर एक्सीलेंस हु इज कॉल्ड द एसेस्ट पर एक्सीलेंस ऑप्शन नंबर ए बेकन ऑप्शन नंबर बी लैम ऑप्शन नंबर सी आर्नोल्ड ऑप्शन नंबर डी नन ये तो आप सभी जानते हैं आप चार्स लैम दैट इज करेक्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर एटीन हाउ इज़ लैम एसोसिएटेड विद क्राइस्ट्स हॉस्पिटल क्राइस्ट हॉस्पिटल से चार्ल्स लैम जो हैं वो कैसे एसोसिएटेड हैं कैसे संबंधित हैं इससे ठीक है इस ऑप्शन नंबर ए इट वॉज द हॉस्पिटल वेयर ही टुक बर्थ जहाँ उनका जन्म हुआ ये वो हॉस्पिटल था ऑप्शन नंबर बी हेयर ही डाइड यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी ऑप्शन नंबर सी हेयर ही वॉज एजुकेटेड यहाँ पर वो पढ़े थे क्राइस्ट हॉस्पिटल के अंदर ध्यान रखना हॉस्पिटल नाम है इसका ऑप्शन नंबर डी है मैरी लैम वॉज ट्रीटेड हेयर क्योंकि मैरी लैम को कुछ मेंटली प्रॉब्लम थी तो उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ था नाउ गिव द आंसर आंसर नंबर सी हेयर ही वॉज एजुकेटेड ठीक है नाम तो क्राइस्ट हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पर एजुकेशन भी होती है ध्यान रखें नाउ नंबर नाइनटीन द अथर ऑफ एसेज ऑफ एलिया सभी जानते हैं चार्स लैम पी जी टी टू थाउजेंड इलेवन में आया हुआ है ये इसको आप भूलें ना बिल्कुल भी ठीक है कभी आप चार्स लैम और चार्ल्स डिगन में कन्फ्यूज़ हो जाएं ठीक तो है तो ध्यान रखना है एसेज़ ऑफ एलिया जो है वो चार्ल्स लैम का ही है चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं नाउ नंबर ट्वेंटी द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज क्या है अ पोयम बाय विलियम ब्लैक एन एलिजी बाय विलियम वर्सवर्थ एन एसे बाय चार्ल्स लैम एन एसे बाय विलियम हेस्लिट ये तो आप जानते ही हैं ठीक है एन एसे बाय चार्ल्स लैम ध्यान रखना है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स ये चिमनी स्वीपर्स की प्रेस जो की गई है यह इनके एक एस ए में की गई है चार्ल्स एम के इसको ध्यान रखना है आपको नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी वन इन विच मैगजीन वर पब्लिश द फर्स्ट सीरीज ऑफ एससेज ऑफ एलिया किस मैगजीन के अंदर फर्स्ट सीरीज एपियर हुई थी एसेज ऑफ एलिया की ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश मैगजीन ऑप्शन नंबर बी स्विस मैगजीन ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन मैगजीन और ऑप्शन नंबर डी है लंदन मैगजीन नाउ गिव द आंसर आपने अगर चूज किया है ऑप्शन नंबर डी लंदन मैगजीन दैट इज करेक्ट आंसर ये एक बार पहले अभी आ चुका है ऑप्शन नंबर टू वैन वाज लैम्ब बोर्न चार्स लैम का बर्थ कहाँ हुआ था कहाँ जन्म हुआ था इनका ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें बहुत ईजी आप दे सकते हैं आराम से नाव एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी थ्री विच सरोनियम वॉज एडोप्टई लैम फॉर हिज एस ए चार्स लैम ने एक नाम एडोप्ट किया था एस ए लिखने के लिए वो क्या था वो था एलिया ठीक है एलिया नेक्स्ट नंबर देख नाओ नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाई लैम लैम का वर्क नहीं है कौन सा ऑप्शन नंबर है जॉन वुडविल ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है द ओल्ड फैमिलियर फेसिस ऑप्शन नंबर सी है हेस्टर ऑप्शन नंबर डी है लेला रूक। नाउ गिव द आंसर चलिए आंसर दीजिए अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी लेला रुख तो करेक्ट आंसर है क्योंकि ये चार्ल्स लैम का वर्क नहीं है फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं नेक्स्ट नंबर है ट्वेंटी फाइव द एस ए साउथ सी हाउस हैज बीन रिटर्न बाई साउथ सी हाउस एस ए किसने लिखा है चार्ल्स लैम ने नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी सिक्स हु यूज द एपिथेट जेंटल हर्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम चार्ल्स लैम के नहीं ये बात जो है जेंटल हर्टेड चार्ल्स किसने कही है ये बात किसने कही है चार्ल्स लैम के नहीं है वर्सवर्थ ने कीट्स ने ब्राउनिंग ने या फिर कॉलरिज ने सोचिए और ध्यान से ये आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो एसटी कॉलरिज इनके फ्रेंड भी रहे हैं वो इन्हें अच्छे से जानते थे ठीक है तो उन्होंने ही जेंटल हर्टेड चार्ल्स कहा इनको नाव एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी सेवन विच रोमांटिक नावल इज बाई चार्स लैम इसमें से कौन सा रोमांटिक नावल है वो चार्स लैम का लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर है क्लोस्टर लेम ऑप्शन नंबर बी है रोज़ाम ग्रे ऑप्शन नंबर सी है एपसेंटी या ऑप्शन नंबर डी है क्रैनफोर्ड नाओ गिव द आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोजाम ग्रे नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी एट मिसिज बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट इज एन एस से दैट हैज डाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स वी फाइंड इट इन ये जो एस है एक स्केंदर है बताना है आपको एस एस ऑफ एलिया बाई चार्सलैम कन्फेशंस बाई डी क्वेंसी ऑप्शन नंबर सी है इमेजनरी कन्वर्सेशन्स बाई डब्ल्यू एस लैंडर या ऑप्शन नंबर डी है एस एस बाई आप जानते हैं हम चार्स लैम को कवर कर रहे हैं चार लैम के एम सी क्यू में आया है तो आंसर चार लैम ही होगा लेकिन आपको याद ये करना है कि अगर इस एस ए का नाम मिसिस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट कहीं भी आता है तो आपको एसेज ऑफ एलिया ही टिक करना है क्योंकि यहाँ आप सिर्फ चार स्टैम को कवर कर रहे हैं इसलिए आपको ये ईजी लग रहा है ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2003 में आया हुआ है नाउ नंबर 29। लैम्स एससेज ऑफ एलिया वर रिटन इन 1820 ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वैन वर द लास्ट एसेज ऑफ एलिया रिटर्न ये कह रहे हैं कि एस्ट ऑफ एलिया है वो 1820 से 23 तक लिखे गए थे ठीक है ये एसीज ऑफ एलिया का जो तो फर्स्ट एडिशन था ये 1823 में पब्लिश हुआ था ठीक है ये पूछना चाह रहे हैं कि लास्ट एस्टेज ऑफ एलिया वो कब लिखे गए थे या ये समझ लीजिए कब वो पब्लिश किए गए थे ठीक है आप आंसर दीजिए तो आंसर होगा 1830 हंड्रेड थर्टी थ्री चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टी अपार्ट फ्राम टेल्स फ्राम शेक्सपियर लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इनक्लूड्स इसमें क्या बात कही गई है इसमें कहा गया है कि जो चार्ल्स लैम्ब हैं इन्होंने दो वर्क ऐसे हैं इनके टू वर्क ऐसे हैं जो कि इन्होंने चिल्ड्रन्स के नहीं लिखे गए हैं ठीक है पहला तो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर अब ये पूछ रहे हैं कि दूसरा वर्क कौन सा है ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है स्पेसीमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी है ड्रीम चिल्ड्रन ऑप्शन नंबर सी है चाइल्ड हेरोल्ड या ऑप्शन नंबर डी है द एडवेंचर ऑफ यूलेसिस नाउ गिव द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर है द एडवेंचर ऑफ यूलेसिसिस ठीक है नाउ एम सी नंबर थर्टी वन हु रोड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है ठीक है चार्ल्स लैम ऑप्शन नंबर बी विलियम हजलिट ऑप्शन नंबर सी लेहड या ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स एंड मैरी लैम तो ये ही सीख होगा चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम ठीक है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टी टू हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस ये तो आ चुका है एक बार और ठीक है चार्ल्स लैम्ब ही है इसका आंसर नेक्स्ट नाउ नंबर थर्टी थ्री हैज़ रिटर्न द एसे द ओल्ड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल हु हैज़ रिटर्न द एसे द ओल्ड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल जी एस किसका है जाहिर सी बात है चार्ल्स लैम का ही होगा क्योंकि तो हम चार्ल्स लैम को कवर कर रहे हैं ठीक है लेकिन आपको इस एस का नाम भी याद रखना है ठीक है द ओल्ड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टी फोर एसेज ऑफ एलिया इज एसेज ऑफ एलिया क्या है ऑप्शन देख सरमोनाइजिंग ऑप्शन नंबर बी है प्रैक्टिकली आउटोबायफिकल फ्रेगमेंट या काफी ईजी है डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा प्रैक्टिकली आउट ओ बायोग्राफिकल फ्रेगमेंट यही आंसर है ठीक है नेक्स्ट देखते नाओ एम सी क्यो नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एस ए बाई चार्ल्स लैम चार्ल्स लैम का इनमें से कौन सा ऐसे नहीं है ऑप्शन नंबर ए नाइट फियर्स ऑप्शन नंबर बी क्राइट्स हॉस्पिटल ऑप्शन नंबर सी गोइंग ऑन अ जर्नी या ऑप्शन नंबर डी पुअर रिलेशन पता ये कौन सा इसमें से चार्ल्स लैम का एसे नहीं है अगर आपने चूज किया है नंबर सी गोइंग ऑन अ जर्नी तो ये आपका सही आंसर है क्योंकि ये एसे चार्ल्स लैम का नहीं है नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टी सिक्स एस राइटिंग अचीव्ड न्यू हाइट्स विद एसेज ऑफ एलिया मॉन्टेगनेस हेसलेट्स चार्ल्स लैम्स या स्विन बर्न्स जाहिर सी बात है चार्ल्स लैम्स ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी नंबर थर्टी एट द वर्ड एलिया इज एसोसिएटेड विद किससे एसोसिएटेड है थॉमस डी क्वेंसी विलियम हेस्लेट चार्ल्स लैम फ्रांसिस बेगन ये तो आप जान ही गए हैं चार्ल्स लैम से एसोसिएटेड है और ये ना सोचे कि आप इजी लग रहा है आपको तो ये आएगा आएगा नहीं एलटी ग्रेड टू थाउजेंड में ही आया हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टी नाइन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज़ रिटन बाई टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है विलियम शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी वर्ड्सवर्थ ने ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स लैम ने ऑप्शन नंबर बी पी बिशेली ने जी हाँ ऑप्शन नंबर सी चार्सलैमी करेक्ट आंसर है नाव नंबर फोर्टी मैन इज अ गेमिंग एनिमल ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर इन समथिंग और अदर दिस इज अ फेमस कोट फ्रॉम ये फेमस कोट है कहाँ से ली गई है ठीक है ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए है टू किल अ मॉकिंग बर्ड ऑप्शन नंबर बी है सेज ऑफ एलिया ऑप्शन नंबर सी है द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल और ऑप्शन नंबर बी है ब्लैंक ब्लैंकवर्ड्स आपको बताना है कि ये लाइंस जो हैं कहाँ से ली गई हैं ठीक है अगर आपने चूज़ किया है एसेज ऑफ एलिया तो आपने बिल्कुल सही यूज़ किया है नाउ नंबर फोर्टी वन और ये लास्ट है हमारी आज की वीडियो का ठीक है चांसलैम अडॉप्टेड द नेम एलिया विच वॉज़ दैट ऑफ ये एलिया नाम उन्होंने एडोप्ट किया है ये कहाँ से किया था क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ऑप्शन नंबर ए है किसका था ये नाम एन इंग्लिश बैंकर का था ऑप्शन नंबर बी है हिज ओल्ड स्कूल मास्टर ऑप्शन नंबर सी है हिज ब्रदर। ऑप्शन नंबर डी है एन इटैलियन क्लर्क इन द साउथ सी हाउस बताइए आंसर दीजिए इसका अगर आपने चूज किया है एन इंग्लिश बैंकर तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है अगर आपने चूज किया है हिज स्कूल मास्टर तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है अगर आपने चूज किया brother, तो ये भी गलत है अगर आपने चूज किया है एन इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी हाउस तो ये बिल्कुल सही है ठीक है तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा जो लेक्चर है चार्ल्स लैम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का ये कंप्लीट हो गया है अब हम आपको कल नेक्स्ट मॉर् कल मॉर्निंग में एक नया लेक्चर देंगे हो सकता है वो हम आपको जॉन कीट्स का दें क्योंकि आपकी ही रिक्वेस्ट पर ही मैं वर्क कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ठीक है और वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें आप कि वीडियो कैसी है क्या क्वालिटीज़ चलेंगी वीडियो की ठीक है Thank you.